हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे और बेसन के गुने, जो कि गंगौर की पूजा में भगवान को चढ़ाए जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदे के गुने बनाएंगे। सो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, कटोरे में पानी लेकर उसमें शक्कर को मैंने क्या किया था, बॉयल कर लिया था। ठीक है, इस पानी को ही हमें ऐड करना, मतलब मीठे गुने बनाने हैं सो शक्कर का यूज़ करेंगे हम। मैदे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, मोन के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पानी हमने क्या बॉयल किया था मीठा पानी, उससे ही हम बेसन, उससे ही हम मैदे का डो लगाएंगे। ठीक है, ये हमने मैदे का जो है डो बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसन का डो बनाएंगे। बेसन के डो बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन। ठीक है, बेसन में आपको डालना है नमक स्वाद अनुसार, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्च। ठीक है, और थोड़ा सा मोन डालेंगे, मींस थोड़ा सा जो तेल है वो डालेंगे। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे अच्छे से इसको इसका डो बना लेंगे। धीरे धीरे करके ही हमें पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका डो बनाना है। यह हमारा डो बनकर रेडी है, हमने दोनों के डो बना लिए हैं। अब सबसे पहले हम मैदे के गुने बनाएंगे। सो मैदे के गुने बनाएंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ठीक है, और लोई को हम क्या करेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं ना, इस टाइप से हमको उसको बेलना है। ठीक है, बेलने के बाद क्या करेंगे, हम चाकू की हेल्प से उसे कट करेंगे, क्योंकि हमें गुने बनाने हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, चाकू का यूज़ करना पड़ेगा, चाकू से पहले उसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे शक्कर पारे नहीं बनाते हैं, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आपको सिंगल सिंगल कट करना है। ठीक है, फिर बाकी जो साइड वाले जो एजेस है उनको आपको हटाना है। ठीक है, क्योंकि फिर वो अच्छे से अच्छे नहीं लगेंगे अगर आप उनको एजेस को काटेंगे नहीं तो। ठीक है, एक शेप में नहीं आएंगे वो। सो साइड के एजेस को कट करना है, और इस तरीके से आपको सभी की साइज़ एक ही रखनी है आपको। फिर यहाँ पर साइड में पानी लगा लगा कर आपको इस तरह से फोल्ड करके सारे गुने को क्या करना है, रेडी कर लेना है। ठीक है, अब मैंने सारे गुनों को रेडी कर लिया था, मैंने सिर्फ आपको एक दो बनाकर ही दिखाए हैं। ठीक है, आपको इनको सीधा रखना है, मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे रख दिया था, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें थाली में मैदा डालना है ताकि वो चिपके नहीं। ठीक है, मैदा डालने के बाद आपको सारे गुनों को खड़ा खड़ा ही रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो चिपक जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है सारे गुनों को। अब बनाएंगे बेसन के गुने। बेसन के गुने बनाने के लिए आपको क्या करना है, लोई बनानी है, फिर उसको रोटी की तरह बेल लेना है। इस तरह जैसे मैंने मैदे के गुने बनाए थे, इस टाइप से ही आपको बेसन के गुने भी बनाकर रेडी करने हैं। ठीक है, हमने सारे गुने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब गुनों को क्या करना है, तलना है। सो सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करना है, और गैस की जो फ्लेम है उनको क्या करना है, मीडियम ही रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ना लो ही रखनी है। ठीक है, और बाकी जो आटा बचा हुआ था मैंने उसके थोड़े से शक्कर पारे टाइप कट करके बना लिए। ठीक है, अब हमको धीरे धीरे इनको क्या करना है, कढ़ाई में डालना है और तलना है। ठीक है, दोनों साइड से आपको अच्छे से तल लेना है। ठीक है, ज़्यादा डार्क भी नहीं तलना है, जो ज़्यादा वाइट भी नहीं तलना है, मीडियम ही आपको उसको तलना है, गोल्डन टाइप हो जाए इस टाइप से आपको तलना है। ठीक है, इस तरह से आपको सारे गुनों को तल लेना है। देखिए मैंने सारे लिया है। ठीक है, माता जी को 16-16 गुने चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो 16-16 गुने इसमें से निकाल लूँगी और भगवान को चढ़ाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।